ओके तो अच्छे बॉयज एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ओके सो बेसिकली मुझे एक कमेंट आया एक बंदे का कि आप R15 V3 के ऊपर माइलेज टेस्ट करो। सो फिलहाल मेरे पास R15 SV3 तो अवेलेबल नहीं है, जो सिंगल सीट वाली वो अवेलेबल नहीं है। सो मेरे पास है मेरी दोस्त की R15 V3 जो BS6 है आई गेस, नहीं BS4 है ना, BS4 है। सो उसके ऊपर हम करने के दोनों का पावर एंड दोनों का टॉक दोनों में सेम ही, ऑलमोस्ट पूरे फीचर्स दोनों में सेम ही है, बस एक ही डिफरेंस है उनका सीट का, मतलब इसमें स्प्लिट सीट मिलती है और उस पर सिंगल सीट मिलती है। सो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है। सो अभी हम इसके ऊपर माइलेज टेस्ट निकालेंगे। आई नो भाई यूट्यूब पे आप सर्च करो R15 V3 का माइलेज, आपको लाखों वीडियोज मिल जाएंगे, लेकिन मैंने बोला था कि भाई आप कमेंट करो मैं वीडियो लेके आऊँगा, सो मैं वीडियो लेके आया हूँ। सो बेसिकली अभी मैं निकालने वाला हूँ इसका माइलेज। तो सबसे पहले अभी इसका हम पेट्रोल निकालेंगे, टैंक ड्राई करेंगे, फिर डाल के फिर पेट्रोल डाल के फिर टेस्ट करेंगे। सो यार वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, एंड तक देखो। एंड यार लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो, सो लेट्स गो। ओके सो बेसिकली अभी हम लोग इसमें से पेट्रोल निकालेंगे पाइप थ्रू एंड इसका फिर ड्राई करेंगे गाड़ी, एंड देन उसके बाद इसके अंदर पेट्रोल डाल के हम इसका माइलेज निकालेंगे। ओके सो एज यू कैन सी हमने पूरा पेट्रोल निकाल दिया है गाड़ी में से, खींच खींच के निकाला है, मतलब बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं बचा है। फिर भी हम इसको अभी और चलाएंगे, जब तक चलती है तब तक चलाएंगे, ड्राई करेंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे आधा लीटर एंड देन इसका माइलेज निकालेंगे, एंड वो खत्म होने का वो हम ये डाल देंगे। सो अभी चलते हैं बाइक के ऊपर एंड आपको डायरेक्ट बाइक पे मिलता हूँ, सो लेट्स गो। ओके सो अभी हम लोग आ गए बाइक के ऊपर। अभी एज यू नो भाई हमने पूरा पेट्रोल निकाल दिया, चूस चूस के निकाला है पूरा, अभी जब तक सही तब तक चलाते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर आधे लीटर पेट्रोल डाल के फिर इसका माइलेज टेस्ट निकालेंगे, सो लेट्स गो। भाई गाड़ी चालू नहीं हो रही है, व्हाट द हेल R15, ऐसे डिसअपॉइंट मत कर मेरे को। चलो भाई चालू नहीं हो रही गाड़ी, भाई दूसरे गियर पे चालू करना पड़ेगा मेरे को, नहीं नहीं हो रहा। भाई नहीं हो रहा भाई चालू, भाई बहुत कल मेरा लेग डे था, मेरे पैर दुख रहे, फक। थोड़ा नीचे रखते हैं गाड़ी को, थोड़ा हिलाते हैं फिर चला के देखेंगे। गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है, मैं थक गया इसको धक्का देते देते। सो अभी हम इसमें डाल देंगे आधा लीटर पेट्रोल जो हमने निकाला था, नहीं हो रही है। एक टाइम पे मेरी CBR चालू हो गई थी लेकिन ये चालू नहीं हो रही है। सो अभी इसमें डालते हैं हम आधा लीटर पेट्रोल। भाई गिरता ही है, भाई हमेशा गिरता है पेट्रोल। आज दिन की हमने आधा लीटर पेट्रोल डाल दिया है, अभी निकलते हैं चालू करके गाड़ी। सो सबसे पहले हम इसका ट्रिप ज़ीरो करेंगे, उसके बाद ट्रिप 1। एज यू कैन सी ट्रिप 1 हमारी ज़ीरो हो गई है। सो अभी चलते हैं एंड इसका माइलेज निकालते हैं। हो गए बच्चा, मैं गाड़ी को हाईवे पे भी लेके गया था एंड मैं गाड़ी को हायर रेफरेंस पे रख रहा हूँ, बिकॉज मुझे देखना है कि हायर रेफरेंस पे गाड़ी कितना माइलेज देती है। तो RC 200 के ऊपर भी आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा डेफिनेटली इसके ऊपर। एंड वहाँ से CBR जाते हुए, यार CBR को लोगों ने ऐसे यूज़ के लिए अब यूज़ करना चालू कर दिया है। CBR ऐसे कंप्यूटर लोग यूज़ कर रहे हैं 150R, पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं, मेरी गाड़ी का नाम खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है बट फिर भी। और भाई क्या बोलूँ यार, कंफर्टेबल है गाड़ी एंड स्पीड बड़ी है पिलियन के लिए, इसलिए लोग ज़्यादातर CBR 150R को कंप्यूटर के जैसा यूज़ करते हैं। तो फिलहाल अपना अभी गाड़ी चल गया 8.7 किलोमीटर एंड अभी और चलाते हैं, एंड मैं आपको, मुझे अगर मैं गेस करूँ तो भाई समथिंग 20 के ऊपर देना चाहिए आधे लीटर के अंदर, क्या मानूँ भाई, गॉड नोज अपने को क्या मानूँ। तो भी चलते हैं,
सो एज यू कैन सी अपनी गाड़ी चल चुकी है 10 किलोमीटर एंड हाफ वे इधर आ गए हम अभी और हाफ वे इधर चलाना है। एंड भाई पुणे का वेदर अजीब सा हो गया है, थोड़ी देर बारिश आती है फुल तेज एंड थोड़ी देर बहुत तेज धूप आती है, पता नहीं क्या हो रहा है पुणे में। सो अभी हम इसको और हाफ वे इधर चलेंगे, हाफ वे इधर भी चल सकती है, 20 भी चल सकती है, 20 से ज़्यादा भी चल सकती है, 20 से कम भी चल सकती है, बोल नहीं सकते क्या होगा क्या पता। हाँ फट गया यार, तो धूप है यार, हाथ काले हो रहे मेरे भाई। ट्रिप से क्यों ले रहे हो यार तू भाई, ऊपर से विदाउट हेलमेट। देखो भाई अगर तुम लोग मेरे ऑडियंस में से कोई ऐसा कर रहा है तो भाई प्लीज 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 भाई एक हेलमेट आता है भाई, सस्ता आता है, रोड पे से ले लो, बट यार पहन लो यार लेके। यार ये मुझे पसंद नहीं यार, अगर उधर खड्डा है तो उधर से नहीं जाओगे क्या आप? अरे भाई तुम्हारी डेन है वो यार, तुमको उधर से जाना पड़ेगा, खड्डे रहो कि कुछ भी रहो तुम इधर उधर से इधर नहीं आ सकते। तो हम लोग अभी वापस हाईवे पे आ गए हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है, गाड़ी लॉक नहीं हो रही है अच्छे से। ओप्स फक, एज यू कैन सी 18.3 पर अपनी गाड़ी बंद हो गई है, तो अभी चालू होना इसका मुश्किल है और चालू होने में बहुत दिक्कत आ रही है। सो 18.3 में हमारा पेट्रोल आई गेस खत्म हुआ है। नोप, बोलता हूँ थोड़ा गाड़ी को लुटाते हैं एंड देन उसके बाद चालू करते हैं, काश हो जाए गाड़ी ऑन देन। भाई ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार, आराम से हमें ज़्यादा माइलेज मिलना चाहिए V3 में, तो हमको मिला 18.3, यहाँ पर पेट्रोल पूरा ख़त्म हो गया तो हमको हाफ लीटर में मिला है 18.3, तो 18.3 प्लस 18.3 दैट इज 36.6 का हमको माइलेज देखने मिल रहा है अभी गाड़ी के अंदर फिलहाल। ये क्या हुआ पता नहीं क्यों, मैंने गाड़ी भगाया है बहुत, आई एम एग्री में गाड़ी बहुत भगाया मैंने, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं मिलना चाहिए था। क्या हुआ अभी खरीदा 80 रुपया का ये पेट्रोल डाला, मैं सोचा तुमको गरज लगेगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू। 300 का मिलता है इसमें, इमरजेंसी के लिए अच्छा, इम्पोर्टेंट अपने लिए बोलो या दूसरे के लिए बोलो। ओके वेरी गुड, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे पेट्रोल खत्म हुआ अंकल, मेरे लिए पेट्रोल लेके आए यार, ऐसे लोग और होने चाहिए। तो ये था माइलेज RN5 V3 का, अभी चलते हैं एंड मैं आउटो पर मिलता हूँ डायरेक्ट, तभी चलते एंड आके आउटो करते यार। अंकल अंकल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एज यू कैन सी हमको माइलेज मिला 36.6 हमको माइलेज मिला है एंड हाफ लीटर में बेसिकली हमारी गाड़ी चल रही थी 18.3 एंड उसको अगर प्लस करते प्लस 18.3 फिर से तो हमको मिलता है 36.6 का माइलेज मिलता है। सो एज आई सेड कि मैंने गाड़ी बहुत भगाया, मैंने हायर रेव रेंज में रखा है गाड़ी को, सो मुझे पता ही था माइलेज कम मिलने वाला है, लेकिन इतना भी कम नहीं, बिकॉज RN5 V3 भाई माइलेज किंग है, उसको सबसे ज़्यादा माइलेज मिलता है 150cc इंजन में एंड इतने पावर के साथ। सो या एंड हाँ भाई, बीच में हम जब भी पेट्रोल भर रहे थे तो भाई अंकल काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी स्वीट अंकल थे, ऐसे लोग और होने चाहिए, बिकॉज हम मैंने जैसे ही पेट्रोल खत्म, उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे ही पेट्रोल लेके घूमता हूँ जिसको ज़रूरतमंद है उनको पेट्रोल देने के लिए, बिकॉज आजकल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बॉटल्स में नहीं देते, जो अगर हमको अगर फिर अगर हमारा गाड़ी कहीं रास्ते में बंद होता है तो भाई बहुत दिक्कत आता है। सो ऐसे ही बहुत
अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अंकल थे, स्वीट अंकल थे काफ़ी। सो अगर हम इसको कंपेयर करें एम टी के साथ, सो एम टी में हमको ऑलमोस्ट सेम ही माइलेज मिला था। एम टी 15 वर्जन 2 नई वाली एम टी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हाँ, जिससे मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, मैं इंस्टाग्राम का हैंडल इधर की डिस्प्ले हो रहा है, जाके फॉलो करो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राइट सेफ एंड पीस आउट।